ईडी की जो रिमांड कस्टडी खत्म हुई, तो उसके बाद ईडी के सामने की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको 11 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जी से क्या हासिल हुआ, क्या सबूत हासिल हुआ, क्या कुछ उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब यह समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, नौ नौ समन्स भेजे हैं, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं, मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि हाँ जी इनको बेल दे दीजिए। तो मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था, पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था, मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। दूसरा, आज एक बड़ा खुलासा दिल्ली के विधानसभा के अंदर हुआ, वहां हमारे एक वरिष्ठ एमएलए विधायक ऋतुराज झाजी ने वापस वो बात कही जो बार बार देश की जनता तमाम विपक्षी पार्टियों से सुन चुकी है कि कैसे दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस कंटिन्यूसली चल रहा है। पहले भी ऐसे कई वारदात आए थे लेकिन आज जो उन्होंने खुलासा रखा देश के सामने वो भी बड़ा हैरान कराने वाला है और यह भी दिखाता है कि ईडी का मकसद क्या था, वो क्यों चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहे। ऋतुराज जी ने कहा कि कल शाम को कुछ लोग जो भाजपा से बिलोंग करते हैं वो स्वयं उन्हें एक फंक्शन में मिले, पब्लिक फंक्शन में मिले, दयालपुर नाम की जगह है, ईडी चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकती है उनके फोन से, उनके लोकेशन से, कि वो वाकई में वहां पे थे कि नहीं। और वहां उन्हें सीधा बोला गया, ऑफर दी गई कि 25 करोड़ लो, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। और यह भी कहा गया उन्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह भी कहा गया कि एक अरविंद केजरीवाल तुम्हारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी सबूत के अगर हम जेल में डाल सकते हैं तो तुम क्या चीज हो। यह भाजपा का निचला कार्यकर्ता आज दिल्ली के एक विधायक को बोलते हुए घूम रहा है। आज सुबह एक कॉल भी आया उन्हें और यह भी बोला गया, सेम ऑफर वहां पे भी दी गई। अच्छा, दूसरी चीज भी बताई गई उन्हें, उन्हें कहा कि खुद पे आते हो तो बहुत अच्छा, वरना ईडी सीबीआई छोड़ देंगे, और दूसरा अगर आपके अपने साथ 10 और विधायक को लाते हो तो आपको मंत्री भी बना देंगे, वैसे भी राष्ट्रपति शासन आने वाला है। ये भाजपा के नीचे कार्यकर्ता जो है, निचले कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं, मतलब इसका भी मकसद अब साफ होने लगा है कि ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा, 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल खेलना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि आप कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, और दूसरी तरफ इनको ये लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो इनके सारे विधायकों को डरा कर, धमका कर, पैसे देकर तोड़ देंगे, कुछ कुछ विधायकों को मंत्री के लिए उनको आश्वासन दे देंगे और इस तरीके से राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती है।